हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है, वीडियो होने वाली है स्टडी मटेरियल को लेके। तो आज मैं आपको सोल का जो स्टडी मटेरियल है उसको लेकर अपडेट दूंगा, जिसमें सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो आज आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करो। तो जितने ऐसे स्टूडेंट जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, हाँ मैं उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका भी एग्ज़ाम हाल ही में चल रहा था और जो जिनका ख़त्म हो गया है, जिनका भी चल भी रहा है, कुछ अभी बीए प्रोग्राम का ऑनर्स का चल रहा है अभी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको लेके क्या अपडेट है। तो देखिए, पहले तो सिक्स सेमेस्टर की मैं बात कर लेता हूँ। सिक्स सेमेस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट बीए प्रोग्राम को छोड़कर, दोबारा बता रहा हूँ, बीए प्रोग्राम को छोड़कर सबका स्टडी मटेरियल सिक्स सेमेस्टर का अवेलेबल है, जिसमें बीए इंग्लिश ऑनर्स का जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप नॉर्थ कैंपस विजिट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से लेकर 4 बजे के बीच में। हॉलीडे को मत जाना, मंडे टू फ्राइडे जाके बीए इंग्लिश ऑनर्स के सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट है सिक्स सेमेस्टर के, उनके लिए जो अपॉइंटमेंट का जो पोर्टल है वो लिंक है, वो एक्टिवेट हो चुका है। आप अपॉइंटमेंट लेकर अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर के। तो अभी सिक्स सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम का जो स्टडी मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा हम आपको बता देंगे। अगले 1.5 से 2 हफ्तों के अंदर आपका अभी जो अपॉइंटमेंट है वो शुरू कर दिया जाएगा जितने भी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है बीए प्रोग्राम को छोड़कर, क्योंकि अभी जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है उन्हीं का अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन का उनको मौका दिया जा रहा है। अभी तक ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट है और अदर कोर्सेज जो है फोर्थ सेमेस्टर के, उनका अभी तक पोर्टल ऑन नहीं हुआ है। सिर्फ बीए प्रोग्राम का ही अभी पोर्टल ऑन हुआ है सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला, यानी कि अभी स्टडी मटेरियल मिलने में फोर्थ सेमेस्टर को तो अभी काफ़ी समय लग जाएंगे, क्योंकि अभी वेबसाइट पे भी स्टडी मटेरियल आपका अपलोड नहीं है। पहले सिलेबस आएगा, फिर स्टडी मटेरियल अपलोड होगा, जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि आपको मार्च तक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होने की पूरी संभावना है जितने फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। पहली चीज़, आपका एडमिशन होगा जब आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लोगे, देन उसके बाद एसओएल की वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल अपलोड होगा, फिर उसके बाद ही आपको स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, वो भी अपॉइंटमेंट के माध्यम से। इसके लिए आपको एक SMS भी आ जाएगा, वरना हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अभी आपको मार्च तक वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये वेट करने का जो इंतजार है ये आपका अप्रैल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका जो स्टडी मटेरियल है वो प्रिंट होकर आया ही नहीं है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। अब प्रिंट होने के लिए गया तो है, क्योंकि अभी PDF तो अपलोड हुई नहीं है। तो जब तक PDF अपलोड नहीं होती तब तक हार्ड कॉपी में अभी स्टडी मटेरियल मिलना की संभावना फिलहाल तो अभी ना के बराबर है इस महीने। तो जैसे ही मिलना स्टार्ट होगा हम बता देंगे। वहीं अगर बात कर लेते सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी दिया है हाल ही में, तो आपको तो पहले ही स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो गया होगा, आप सभी को पता ही होगा अगर मिल गया होगा। अगर जिनको नहीं मिला है सेकंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल, थोड़ा वेट करो, आपके लिए भी अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगा, वरना एक SMS आ जाएगा अगर आपने स्टडी मटेरियल अगर कलेक्ट नहीं किया है। वरना SOL ने फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही सेकंड सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करा दिया था जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। अगर आपको नहीं मिला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महीने के एंड तक वेट करो, अपॉइंटमेंट स्टार्ट होता है तो अपॉइंटमेंट ले लेना, अगर नहीं होता तो एक बार ऐसे ही SOL जाकर वहाँ जाकर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते, क्योंकि आपके पास फी रिसीप्ट ऑलरेडी है, कि इसीलिए SOL ने पहले ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है। जिन्होंने नहीं लिया वो जाकर पता कर सकते, क्योंकि इसको लेकर अपडेट मुझे लगता है आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है काफ़ी स्टूडेंट को एक साथ मिल चुका है, तो वो तो अपॉइंटमेंट पोर्टल पर ही पता चलेगा, इसलिए मैं अभी इसको लेकर कुछ नहीं कह सकता। अपॉइंटमेंट अगर स्टार्ट होती है सेकंड सेमेस्टर की मैं बता दूंगा, वरना आपको SMS आ जाएगा, ठीक है। तो यानी सिक्स सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का भी स्टडी मटेरियल नहीं मिला, बाकी कोर्सेज अवेलेबल है। फोर्थ सेमेस्टर का भी किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है, ना तो हार्ड कॉपी ना ही सॉफ्ट कॉपी। पहले सॉफ्ट कॉपी आएगी, देन उसका हार्ड कॉपी आपको मार्च लास्ट तक उम्मीद है कि मार्च में मिल जाए, वरना ये चीज आपकी अप्रैल तक भी
खींच सकती है, क्योंकि जब तक पीडीएफ अपलोड नहीं होगा तब तक हार्ड कॉपी फिलहाल के लिए नहीं हो सकता, और अभी आपका रजिस्ट्रेशन भी बाकी है। तो जैसे स्टडी मटेरियल के लिए अपॉइंटमेंट शुरू होंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए प्लस सिक्स सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के लिए, हम आपको वीडियोज़ के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। और बाकी ये थी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।